Hey guys, hi, welcome back to the YouTube channel Tech Boss Rams. And today we are going to do what? Today we are going to do structures of some chemical formulas ka part number 2. ठीक है, part number 2 we are gonna do today. ठीक है, इसके पहले हमने part number 1 किया था जिसमें हमने 5 chemical formulas का क्या बनाया था, हमने Lewis dot structure के हिसाब से structure बनाया था. वो कौन कौन से थे? I think of HCl and second H2SO4. थर्ड वन आई थिंक सो HNO3, आई होप सो HNO3, H2O एंड द लास्ट वन इज अमोनिया NH3. ठीक है, तो इन पांचों का हमने क्या किया था, उस दिन स्ट्रक्चर बनाया था. देन आई टेल यू दैट इफ यू वॉन्ट दैट द सीरीज कमेंटेड डाउन, बट पर्सन हैज जस्ट ईमेल्ड मी टू जस्ट डू इट सीरीज. तो वी आर बैक विथ एन अनदर वीडियो ऑफ दिस पार्ट टू. ठीक है, पार्ट टू. Today also we are gonna do 5 questions. I mean we're gonna do draw 5 structures of some chemical formulas. ठीक है, yes. तो we are gonna do and I tell you what, in around 2 or 3 weeks there is going to become an unboxing video. Okay, yes. So that is going to be just cool. ठीक है, time is what, 2 or 3 weeks. ठीक है, एंड दैट विल बी द कॉस्ट. ओके, यस यस. सो वी गोना डू इट राइट. सो वी विल डू इट लेटर, बट वी गोना डू कैश स्ट्रक्चर्स ऑफ सब केमिकल फॉर्मूलाज पार्ट टू राइट नाउ. ओके, सो लेट्स डू इट. बट बिफोर, इफ यू आर द न्यू इन द चैनल, गेट इट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आई पब्लिश सच इंटरेस्टिंग वीडियोज रेगुलरली ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड after a what type of intro. Now to the first one of today, first chemical formula of today, and that is what, and that is methane. ठीक है, मीथेन का हम करके देखते हैं अभी. मीथेन, ठीक है, as you all know, I hope कि आपको पता होगा मीथेन का chemical formula होता है CH4. ठीक है, CH4 क्या होते हैं? CH4. ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसमें हमने देखा है कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पे लगते हैं, तो मतलब सेंट्रल एटम, तो ये क्लियर हो गया ना कि कार्बन ही होगा हमारा सेंट्रल. अगर हमने ये पता है कि हाइड्रोजन हमारा टर्मिनल पे लगता है, तो हमारा ये तो क्लियर हो गया कि हमारा कार्बन ही सेंट्रल एटम होगा. ये तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्बन ही हमारा सेंट्रल एटम होगा. तो हाँ, होगा ना भाई, कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होगा. तो उसको हम रखते हैं बीच में. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा के और एल सेल में 2 और 4. तो इसमें हम 4 इंडिकेट करते हैं, 1, 2, 3, 4 चार इंडिकेट कर लिया हमने. अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन, इसको हमने टर्मिनल पे लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ. एक एक एटम होता है सबके पास, लगा देखते हैं. और फिर ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा इसको लेके, ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा इसको लेके, ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा इसको लेके, और ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा इसको लेके. इस तरीके से देखें तो सभी हाइड्रोजन का यहाँ पे, सभी हाइड्रोजन के यहाँ पे दो दो एटम्स हो गए कि नहीं, उन्होंने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया. सभी हाइड्रोजन के यहाँ पे दो दो एटम्स हो गए. और यहाँ पे हम कार्बन का देखें तो अपना चारों एटम क्या कर दिया, लूज कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन ऐसा ही बना सकता है. देखो, कार्बन इन सबसे कहेगा लाओ तुम सब लोग हमको दे दो. कार्बन ऐसा भी बना सकता है. ठीक है, कार्बन के वो, इफ कार्बन वांट्स इट कैन मेक एन ऑक्टेट. और अगर वो कार्बन ऑक्टेट बनाना नहीं चाहता है तो वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ड्यूप्लेट बना के हीलियम की तरह क्या करेगा, हीलियम की तरह बिहेवियर करेगा अपना. बट यहाँ पे क्या करता है, कार्बन अपना ऑक्टेट बना लेता है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन के पास 8 एटम आ गए और हाइड्रोजन के पास 2 एटम. तो इस हिसाब से क्या हुआ हमारा कि कार्बन का हमारा ऑक्टेट बन गया, हाइड्रोजन का हमारा ड्यूप्लेट बन गया. ठीक है, तो यस,
दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट वन मीथेन एंड द सेकंड वन ऑफ टुडे इज व्हाट सेकंड वन ऑफ टुडे इज व्हाट हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड विच हुज केमिकल फॉर्मूला इज व्हाट H2S. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है H2S. ठीक है, यस. तो हमारा हमें पता है कि हाइड्रोजन भाई तो टर्मिनल पे ही लगेगा, तो क्लियर, इट इज क्लियर दैट सल्फर विल बी आर सेंट्रल एटम. इट इज जस्ट क्लियर कि हमारा सल्फर होगा सेंट्रल एटम. ठीक है, तो भैया सल्फर को हम रख लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम. ठीक है, सल्फर को हमने रख लिया सेंट्रल एटम. सल्फर का होता है 16, सल्फर का होता है 16, तो के एल एम में हो जाएगा 2, 8 and 6. होगा, ज़रूर होगा. तो 6 इंडिकेट कर देते हैं, 2, 2, 4 and 2, 6. ठीक है, दो हाइड्रोजन हो गए हमारे पास. ठीक है, दो हाइड्रोजन हो गए, एक एटम इसका, एक एटम इसका. अब ये क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट किया और ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, कर लिया. अभी ऑक्टेट सल्फर क्या करेगा, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा और इसके पास दो, कुल मिला के 4 हो गए, तो 4, 4, 8 कहेगा लाओ भैया हमें भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने दो. वी ऑल्सो वॉन्ट टू गेट स्टेबल, तो वाई वी कांट, वी विल. ठीक है, तो गिव मी योर 2 इलेक्ट्रॉन्स यू, एंड यू ऑल्सो गिव मी योर 2 इलेक्ट्रॉन्स. डोंट गिव मी, जस्ट शेयर इट. ओके, जस्ट शेयर इट, जस्ट लाइक आई शेयर्ड माई 1 इलेक्ट्रॉन टू यू एंड सेम एज यू. ओके, तो जस्ट लाइक दैट. ठीक है, सो दिस इज वॉट आवर फर्स्ट 2 केमिकल फॉर्मूलाज. सो नाउ मूविंग टुवर्ड द 3rd, 4th and 5th वन एंड देन द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो. सो गो, लेट्स मूव देयर ऑल्सो. सो नाउ मूविंग टुवर्ड 3rd and 4th वन. सो द 3rd वन विल बी आवर व्हाट, थर्ड वन इज आवर वर्ड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड. ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है H2S2. ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा H2 and S2. ओ यस, H2 and S2. ठीक है, सो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड H2S2. तो हमें पता है कि हाइड्रोजन भाई टर्मिनल पे लगता है. ठीक है, तो सेंट्रल एटम हमें पता चल गया कि सल्फर होगा हमारा सेंट्रल एटम. पता चल गया ना, ज़रूर पता चल जाना चाहिए. ठीक है, तो सल्फर, दो सल्फर हम रख लेते हैं बीचों बीच. ठीक है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक एटम इसका, एक एटम इसका. अब सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, ऐसे रख देते हैं, हो गए 6, इसके भी 6 हो गए. अब यह हाइड्रोजन अपना ऐसा ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन भी ऐसा अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा. ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे कि ये सल्फर क्या करेगा, भाई तुम अपना दो मेरे पास 5 है, दो तुम दे दोगे 7 हो जाएगा. और इफ़ यू सल्फर ऑल्सो गिव मी 1 एटम इलेक्ट्रॉन, इट विल मेक लाइक दिस एंड द सेम कंडीशन अराइजेस हियर. ठीक है, यस, तो सल्फर, बोथ सल्फर मेक इट ऑक्टेट एंड बोथ हाइड्रोजन मेक इट्स ड्यूप्लेट. तो बोथ केसेस ऑफ हाइड्रोजन दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द बोथ ऑफ द केसेस ऑफ सल्फर दे हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स हाइड्रोजन मेक्स इट ड्यूप्लेट एंड सल्फर मेक्स इट्स ऑक्टेट कंप्लीटली. ओके, सो यस, so we had also done completely the 3rd one. So now moving toward the 4th one also. So let's move there also. The 4th one is what? Potassium cyanide. ठीक है, formula क्या होता है? KCN. Potassium cyanide. And its formula is what? KCN. So potassium cyanide. हमने क्या करना है? Carbon को central atom रखना है. ठीक है, तो कार्बन हो गया हमारा सेंट्रल एटम. इस बगल इसको रख लेते हैं, बगल इसको. कार्बन के पास हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1, 2, 3, 4. ओके, एंड नाइट्रोजन की बात करें तो इट है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1, 2, 3, 4, 5. ओके, एंड इन पोटेशियम
2881, so only one electron is there. So it will take one electron to make its duplet. And this one take its three electron to make its octet. And then carbon loses its four electron and then it behave like a helium. ठीक है? तो अब in this case, potassium makes its duplet, carbon makes its duplet, and nitrogen makes its octet. It means all stable. Okay, all stable. ठीक है, सब stable हो गए. Okay, so yes. So these are the what third and the fourth one. This is what third and the fourth one. So let's move to on the fifth one in this right now. ठीक है, in this. Let's move toward the fourth one right now. Okay, moving toward the fourth one right now. So let's move there also in the fifth one. I am sorry, the fifth one. Okay, and the fifth one is what? The fifth one is what? Fifth one is lead. Sorry. Lead oxide. ठीक है, lead oxide. And its formula is what? PbO. Lead oxide and its formula is what? PbO. So we got to know that oxygen ही दो ही है ही, तो दोनों को लिख दो भैया ऐसे, एक Pb इधर O इधर. As simple as that. Pb के last में two electrons होते हैं और oxygen के six होते हैं. तो Pb क्या, oxygen क्या करेगा? लाओ हमें अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दो, आई विल मेक माई ऑक्टेट. एंड ओके, गिव मी योर टू इलेक्ट्रॉन्स, आई विल मेक माई ऑक्टेट. एंड देन पीबी सेज व्हाट? गिव मी योर ऑल इलेक्ट्रॉन्स. और ये वैसे भी तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, वैसे भी ये अब पीबी अगर शेयर कर दिया अपना, अगर इफ पीबी हैड शेयर्ड इज देयर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज जस्ट स्टेबल. ओके, इट इज जस्ट स्टेबल. ठीक है, तो यही होगा इसका इस स्ट्रक्चर. ठीक है, इट विल बी इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है, वही होगा इसका स्ट्रक्चर. सो दीज आर व्हाट द फाइव वन, द नेक्स्ट फाइव. इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट, डू कमेंट इट डाउन, और जस्ट यू कैन जस्ट ईमेल मी द ईमेल. माई ईमेल आई डी इज जस्ट इन माई कमेंट, आई मीन सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So that's all for today. If you love this video, like the video, comment the video and share the video among all you know. And that's all for today. If you are new on the channel, get it subscribed and press the bell icon, because I publish such interesting videos regularly on this particular YouTube channel. So let's get end this video right now. Go and live your life.